भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के जिला परिषद वार्ड भटियाड़ा से जिला पार्षद जोगिंदर कुमार की महत्वाकांक्षा इन दिनों प्रवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। हाल ही में जिला परिषद के चुनावों में जीत हासिल करके पार्षद बने जोगिंदर कुमार उर्फ पंकु की नजर अब भावी विधानसभा के चुनावों पर टिक चुकी है। शायद यही वजह है कि अपने कार्य क्षेत्र की हदों से बाहर जाकर पंकु अब शाहपुर के तमाम क्षेत्रों पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में पार्षद जोगिंदर ने धारकंडी के लोगों को इकट्ठा करके बरनेट से घेरा सड़क की समस्या को जिलाधीश कार्यालय में इस कदर उठाया कि सालों से लटकी पड़ी फॉरेस्ट क्लियरेंस को हरी झंडी मिल गई। अब जोगिंदर ने नड्डी स्थित डल लेक पर फोकस कर दिया है। जोगिंदर ने सवाल उठाया कि आखिर 4 करोड़ की स्वीकृति के बावजूद इस डल लेक का कायाकल्प क्यों नहीं हो रहा, जबकि बहुत जल्द यहां शाही स्नान होने वाला है। उन्होंने कहा कि महीने भर के अंदर इसका कायाकल्प नहीं हुआ तो सरकार और प्रशासन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखो, डल के ऊपर बहुत सारे नेताओं ने अपनी राजनीति की है वहाँ पर, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भगवान की आस्था से के साथ खिलवाड़ न किया जाए, शाही स्नान होना है और वहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है। माननीय यहाँ के जितने भी हमारे नेता लोग हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के, उनसे सबसे आग्रह है कृपया करके 1 माह के अंतर्गत उसका कार्य करवाया जाए, क्योंकि सुनने में ये है कि 4 करोड़ रुपये सेंक्शन है लेकिन वहाँ पर मात्र कागजों में है, इंप्लीमेंट कुछ नहीं किया जा रहा है। पीछे कपूर साहब जी ने वहाँ पर कार्य बंद करवाया था क्योंकि कार्य गुणवत्ता के हिसाब से अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा माननीय सांसद जी से भी आग्रह है कृपया करके कार्य तो बंद हो गया था, आपने अच्छा कार्य करने के आदेश दिए थे, लेकिन अच्छा कार्य तो छोड़ो परे की बात, वहाँ पर कार्य भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कृपया करके आप अपनी जो समीक्षा बैठक होती है उसमें अतिशीघ्र कार्रवाई लें और 1 माह के अंतर्गत उसका कार्य शुरू करें, यदि नहीं होता है तो डल लेक की जो आस्था जो वो सामने सड़क में दिखे। हिमाचल दस्तक टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।